आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जिला सबनी की तहसील लखनादौन में एक आदमी कुम्मी लाल चौधरी अपने परिवार के साथ न्याय के इंतजार में अनशन पर बैठा है। ऐसी घटना जिला सबनी में पहली बार देखने को मिली है कि कोई आदमी न्याय के लिए भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर है। कुम्मी लाल चौधरी लखनादौन का निवासी है और गांव के दबंग लोगों से प्रताड़ित है। जमीन के आपसी विवाद में मामले की सुनवाई न होने पर इस प्रकार का कदम क्यों उठा रहा है? हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हक और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज़ चैनल। आज आपको हम 1:30 बजे रात को एक ऐसी आप बीती गुजर रही है जिन परिवार के ऊपर, उनसे मिलाएंगे किस कारण वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। चाचा, क्या समस्या आपके हैं जो आप बैठे? जी, मेरी समस्या ये है सर कि मेरी ज़मीन को लेकर मेरे विरोधियों ने एक फर्जी राजस्व प्रकरण 395 बनाए जी। और उसके आधार 395 वर्ष 2000 उसके आधार पर बार बार घटनाएं कारित की जाती हैं और मेरे साथ उसको बनाकर साहब में कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन में विरोधियों का कब्जा है और मेरे साथ आक्रमण की है, घटना की है, घटना दिनांक की रिपोर्ट की है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बार बार आवेदन दिए सर। अब पुलिस SP महोदय ने जाँच की है, वो राजस्व प्रकरण 395 जो तहसीलदार SDO लखनादौन से पूछे सर, उन्होंने बताया कि हमारे न्यायालय में दर्ज नहीं है, वो फर्जी है। और मेरी बार बार निवेदन यही है जो सर, सामने वाला कागज दिखा रहा है वो जो कागज की जांच हो गई, जी जांच हो गई और वो फर्जी है, वो उन्होंने कूटरचित रचना करके बनाई है सर, वो न्यायालय से कहीं जारी नहीं हुआ है, न्यायालय का दस्तावेज नहीं है, उसमें तो सील साइन होंगे ना न्यायालय के, तो वो उन लोगों ने फर्जी बनाए सर। वो कौन लोग हैं? वो मेरे विरोधी लोग हैं। क्या नाम है उन लोगों का? गांव के 50 लोग हैं, साहूकार का अच्छी है, बहुत से लोग। पार्टिकुलर कोई नाम नहीं है उसमें? नहीं, पार्टिकुलर साहूकार का अच्छी का नाम है उसमें कि मेरा कब्जा है, उसका सहयोग 50 से ज्यादा लोग कर रहे हैं गाँव के। और गवाही में SP साहब की गवाही में आए बयान दिए, वो तो उन्होंने भी कहा कि 50 से ज्यादा लोग थे हम घटना कार्य और घटना कार्य। अब वो प्रकरण की जाँच हुई सर, प्रकरण तहसीलदार SDO ने कहा कि हमारे यहाँ दर्ज नहीं है, SP साहब को पत्र लिखकर कहा हाँ कि हमारे यहाँ दर्ज नहीं है। उसके बाद SP साहब ने क्या कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, प्रकरण दर्ज होना था, वो फर्जी मामला के ऊपर। तो यहाँ जो आप इतनी 2 बजे रात को बैठे हैं जी, आपके परिवार में आपकी ये भाभी है, मेरी बिटिया है, भाई साहब है, भाई साहब है जी, तो ये इतनी रात को आप बैठे, इससे हल क्या निकलेगा? इससे ये हल यही निकलेगा सर, या तो मामला कायम हो, और मामला कायम नहीं होगा सर तो मेरे जैसे गरीबों जैसे, तो जब तक मामला कायम नहीं होगा आप बैठे रहेंगे यहाँ पर? बैठे रहेंगे सर जी, बैठेंगे, भले ही आपका स्वास्थ्य गड़बड़ कुछ भी हो, मैं मर क्यों ना जाऊंगा, इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी SP साहब, कलेक्टर साहब को मैंने आवेदन दिया कि आप संपूर्ण जवाबदार आप हैं।